हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप किस प्रकार चिपकली को घर से बाहर निकाल सकते हैं और किस प्रकार आप चिपकली को घर से बाहर फेंक सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस प्रकार चिपकली से मुक्ति पा सकते हैं। घर की किसी भी दीवार पर चिपकली घूमती है तो हमें दिक्कत होती है कि कहीं वो नीचे गिर ना जाए, खाने में ना गिर जाए आदि। हालांकि घर में चिपकली के होने से कीड़े मकोड़े, पतंगे, झिंझूर आदि नहीं रहते हैं, लेकिन चिपकली के शरीर पर गिरने का भय ज्यादा होता है और उससे डर भी लगता है। फ्रेंड्स, मार्केट में चिपकली को भगाने वाले कहीं विषैले लिक्विड आते हैं, लेकिन ये लिक्विड आपके बच्चों या पालतू जानवरों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि चिपकलियों को भगाने के लिए कोई घरेलू उपाय किया जाए। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार चिपकली को भगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, चिपकली को भगाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने चिपकली भगाने के लिए कॉफी पाउडर ले रखा है। कॉफी पाउडर में आप तंबाकू को मिलाकर और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर वहां रख दे जहां चिपकलियां आती है। अगर चिपकलियां इस मिश्रण को खा लेगी तो वह मर जाएगी, वहां से भाग जाएगी। फ्रेंड्स, यह तरीका बहुत ही आसान है। आप एक बार इस तरीके को जरूर आजमा कर देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, एक बार इसको इस्तेमाल करके जरूर देखना। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है मोरपंख। जैसा कि आप मेरे हाथ में मोरपंख देख सकते हैं, चिपकलियों को मोरपंख देखकर भ्रम होता है कि यहाँ कहीं सांप है जो उन्हें खा जाएगा, इसलिए उसे देखकर वह भाग जाती है। मोरपंख को घर में किसी गुलदस्ते आदि में लगाकर रख दे, इससे चिपकलियां भाग जाती है और दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मोरपंख को लगाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, आप ठंडे पानी का इस्तेमाल भी चिपकलियों पर कर सकते हैं। बर्फीले पानी को चिपकलियों पर स्प्रे कर दे, इससे उनको ठंडा लगेगा और वो वहां से भाग जाएगी। ऐसा कहीं दिन तक लगातार करें ताकि वो घर छोड़ दे। पानी डालने के बाद चिपकलियां गिर जाए तो उसे डस्टबिन में डालकर बाहर फेंक दे। यह नुस्खा आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठंडा पानी आप आराम से डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठंडी जगह पर चिपकलियां बिल्कुल नहीं आती है। और ऐसा कई दिनों तक करने से चिपकलियां घर से भाग जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा तीसरा तरीका है प्याज। प्याज की स्लाइस को काट लें, धागे से बांधकर आप इसको बाथरूम की जगह या कमरे में कहीं पर भी आप इसे टांग दे, इससे वहां आने वाली चिपकलियां भाग जाती है। प्याज में सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है जिससे बुरी दुर्गंध निकलती है और चिपकलियां भाग जाती है और चिपकलियां दोबारा नहीं आती है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो अंडे के छिलके भी आप जगह पर रख सकते हैं। अंडे के छिलके में कोई भी महक नहीं होती है जो चिपकली को वहां से जगह छोड़ दे, लेकिन चिपकलियां मानसिक रूप से यह सोचती है कि इस क्षेत्र में कोई और बड़ा जीव आकर रहने लगा तो नहीं, इसलिए वह उस स्थान को छोड़ देती है। अंडे के छिलके को 3-4 सप्ताह में बदलते रहें, पर यह तरीका आजमा कर जरूर देखिए। अगला तरीका है लहसुन। एक स्प्रे बोतल लें, इसमें प्याज का रस पानी भर लें और इसमें
कुछ बूंद लहसुन की रस की मिला ले और अच्छे से मिला ले। अब इसे घर के बाहर कोने में छिटक दे, जहाँ जहाँ छिपकलियाँ सबसे ज्यादा आती है वहाँ भी इसे छिटक दे। आप चाहें तो लहसुन की कलियाँ भी रख सकते हैं, इससे भी छिपकलियाँ दूर भाग जाती है। छिपकलियों को भगाने के लिए लहसुन का स्प्रे बहुत ही अच्छा है, यह आपके घर में छिपकलियों को भटकने भी नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।